खबर आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के लिए युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर मंगलवार सुबह से 18 वर्ष से लेकर उनसे ऊपर के आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन की खुराक लगाई जा रही है। यह वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगाई जा रही है जो पहले से ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। इसी क्रम में 45 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के लोगों को अलग काउंटर पर दूसरी खुराक लगाई जा रही है तथा पहली खुराक के लिए भी इसी काउंटर पर लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा है। मंगलवार सुबह से बृहस्पतिवार दोपहर तक 18 प्लस के 670 लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वैक्सीनेशन के लिए युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान लोग परिवार के संग सेल्फी भी लेते रहे। वहीं 45 प्लस के लोगों को दूसरी खुराक के लिए जिनका पंजीकरण हो चुका है उन्हें इन्हीं सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के उपरांत स्वास्थ्य केंद्र के प्रतीक्षा रूम में 40 मिनट रुकने के बाद ही लोग जा रहे हैं। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवा सिंह ने बताया कि मंगलवार सुबह से 18 प्लस के लोगों को पहला डोज तथा 45 प्लस के लोगों को दूसरा डोज दिया जा रहा है, जिसके लिए पहले से पंजीकृत लोगों को ही स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगाई जा रही है। पंजीकृत लोगों को वेरीफाई करने के बाद उनको वैक्सीन की डोज दी जा रही है। इसके लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ जुट रही है और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाकर ही सेंटर पर आने दिया जा रहा है। कहीं भी किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।